is a this literally nice. Good morning guys. So guys, सुबह हो चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ को बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ अभी. So बाहर का माहौल कैसा. Wow, wow guys, just look at here. Wow. Look at those mountains, guys. गाइस सामने सीधा खड़ा पहाड़ है और पहाड़ की चोटी में बर्फ गिरी हुई है. ठंड इतनी है ना, मतलब कुछ कह नहीं सकते गाइस. जितने सामान बाहर पड़ा हुआ सारा बर्फ से. All the bags has frozen. See, there's a this literally nice. Our bags, they got frozen. Wow, man. Look at this. This way ice jam chuki hai. हेलो गाइस, दिस इज बाबू भूरिया एंड वेलकम टू द चैनल. सो गाइस सुबह के 6:30 बज चुके हैं और गाइस रात बड़ी ही अमेजिंग रही है. तो अभी आपको सिर्फ मैं एक राउंड अबाउट देता हूँ कि कितना मस्त व्यू है यहाँ का. जिस नज़ारा देख लो गाइस, वाओ. ठीक सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ों के ऊपर बर्फ गिरी हुई है. Look at the view from other side, guys. काफी घना जंगल इस साइड. So guys, कभी भी अगर आप त्रियुंड आते हो तो ये स्नो लाइन पॉइंट जो है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. 1 से 1.5 घंटे की हाइकिंग है त्रियुंड से. और गाइज व्यू देख लो आप यहाँ से कि सामने बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ों पे, हल्की हल्की बर्फ गिरी हुई है. और गाइस तो कैंपिंग गियर सारे पैक कर लिए हैं और अभी 1.5 घंटे में हम निकल जाएंगे यहाँ से. सो नॉट बैड गाइस. और गाइस तो हमने पैकिंग कर ली अपने कैंपिंग गियर्स की और सामान की, तो अभी चलने के लिए रेडी है. और अक्की से मिल लो गाइस. तो चलो गाइस, काफ़ी अच्छा कैंपिंग एक्सपीरियंस रहा गाइस. बाहर काफ़ी ठंड थी, जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि बैग्स के ऊपर बर्फ जमी हुई थी. इट मीन्स कि टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री या उससे नीचे था. तो बट टेंट के अंदर जो है वो हम ठीक रहे, हमें नहीं, पाँव ठंडे हो रहे थे कभी कभी बीच में, पर वो बड़ी जल्दी फिर से रिवॉर्म हो जाते थे. सो वॉज नॉट दैट बैड. तो गाइस यहाँ पे एक दुकान है और यहाँ पे आपको टेंट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं. और आप नीचे से नहीं लेके आए हो तो आपको टेंट्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं. तो
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग ऊपर आओगे तो पता नहीं रहने का प्रबंध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और खाने पीने का भी यहाँ पे पूरा ही प्रबंध इन लोगों ने करके रखा हुआ है। रात को हमने भी दाल चावल खाए तो अच्छा है यहाँ पे गाइस। चलो गाइस अभी आपको नीचे मिलते हैं, चलते चलते व्यू कैप्चर करेंगे। सो लेट्स गो। गाइस रात को जब हम यहाँ पहुँचे थे ना तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो वो रिकॉर्डिंग सही नहीं हो रही थी, बट अभी काफ़ी अच्छे से सब दिखेगा गाइस। That is tune down there and Dharamshala is extreme down there. Guys, पहले हम वहां नीचे लग गए थे रुकने, बट अच्छा किया जो वहां पे नहीं रुके, नहीं तो जो व्यू हमें ऊपर मिला ना गाइस हम वो मिस कर देते। लुक एट द रॉक्स गाइस, वाओ, इट्स लुकिंग लाइक कि किसी ने जो है वो रॉक्स वैसे फेंकी हुई हैं। आई मीन कोई साइन लग नहीं रहा वैसे कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रॉक्स ही फेंक दिए हैं। सो गाइस बैक इन त्रियुंड, रात को यहाँ स्टे नहीं किया और अच्छा किया जो कि हम ऊपर चले गए थे ताकि जो नज़ारा ऊपर देखा ना हम वो मिस कर देते। मैं गाइस सो आई जस्ट मेट अ न्यू फ्रेंड हियर एंड ही इज़ फ्रॉम इज़राइल एंड हिज नेम इज़ योथम। योथम राइट? योथम। सो शलोम, यू कैन से हाय। आई लव इंडिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। So, okay, you Tom, you can say bye, yeah? Take care. Thanks, mate. You too, huh? You too, thank you. Take a safe journey, yeah? So, guys, back to Trivand and... Jabhi kaya rao? Main yahan pe is journey ka end karta hoon, guys, kyunki isse niche phir wapis wahi cheezein dikhane ka koi matlab reh nahi jata. सो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करो और वीडियो को शेयर भी करो। और गाइस सो मिलता हूँ मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव फन, एंजॉय योर लाइफ एंड ऑलवेज वेयर अ गुड क्वालिटी हेलमेट व्हाइल यू गाइस राइड and keep this beautiful country clean guys. And if you guys did not subscribe my channel till now, click on that red subscribe button and watch, like and share my videos guys. Thank you, bye.